हे दोस्तों नमस्कार। तो कैसे आप लोग, आई होप कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं थोड़ी नेपाल, जो कि घर से हम लोग लगभग 60 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी तो हम लोग जंगल में आ गए हैं थोड़ी के। चलिए आप लोग आगे दिखाते हैं कि थोड़ी कैसा है। पहले से बहुत ही अच्छा बदल चुका है, जो कि नया नया चीज़ खुला हुआ है। तो चलिए आपको पूरा शेयर कराते हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप लोग देखते रहिए और मज़े लीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोग जंगल देखिए, कुछ इस प्रकार का यहाँ का जंगल है। अभी तो एंट्री पॉइंट पे हैं हम लोग और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदर है। देखिए आप लोग वहाँ पे पूरा हिला रहा होगा लोग। देखिए जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है कितना पलथी मार के और सारा है। चलिए और आप लोगों और चलते हैं। चलिए ये रहा रास्ता कुछ इस प्रकार का, ऑफ रोडिंग जैसा दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए पूरा ऑफ रोडिंग रास्ता है, चलिए चलते हैं। फाइनली हम लोग थोड़ी पहुँच चुके हैं, जो कि आप लोगों को सामने दिख रहा होगा पूरा पहाड़। देखिए यही पहाड़ रहा थोड़ी का और सामने आप लोगों को पुल दिख रहा होगा वहाँ पे। देखिए उसी पे हम लोगों को जाना है उस साइड। फिलहाल इस साइड से पूरा दिखा रहे हैं आप लोगों को। चलिए चलते हैं उस साइड, उसका रास्ता अदर साइड से है। और इधर पूरा दुकान लगा हुआ है, मार्केट आगे है, जो कि पूरा जरूरी सामान मिल सकता है यहाँ पे। और ये रहा मेरा बाइक और ये मेरा भाई। और ये देखिए रहा थोड़ी का पहाड़ छोटा सा। और ये रहा पुल, देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा फूल है। फिलहाल तो पानी इसमें नहीं है, हल्का फुल्का पानी है, आप लोग वो भी दिखाएंगे। और देखिए ये रहा पहाड़ थोड़ी का और आगे भी आप लोग को दिखाते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पर थोड़ी जंगल रिसोर्ट दिखा हुआ है, तो फोटो शूट करेंगे वहाँ पे हम आके। सामने आप लोग को एक छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, छोटा सा पर बहुत प्यारा ही है। और देखिए यहाँ पे और सब भी मंदिर है। और यहाँ पे हम लोग कच्चे रास्ते से होते हुए एक पक्के रास्ते पे आते हैं। और यहाँ पे सामने आप लोग पत्थर लगाया हुआ दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी आकर्षित दिख रहा होगा। और यहाँ पे फोटो शूट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ चलते हैं एक पतले रास्ते हुए होते हुए और यहाँ से पकड़ते हैं एक पतला रास्ता, जो कि लोहे वाला पुल के पास जाता है। और यहाँ से उतारते हैं अपने बाइक को नीचे की तरफ, जो कि आगे पुल है। देखिए अब जा रहे हैं हम लोग नीचे की तरफ। और ये पहुँचे हम लोग पुल पे, जो कि लोहे का पुल है, जो कि इसको लचका बोला जाता है, जो कि चलने पर लच लच करता है। और सामने नीचे आप लोग देख सकते हैं कितना यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है। और सामने इधर आप लोग देख सकते हैं नदी का पानी बहुत ही कम है और यहाँ का दृश्य काफ़ी अच्छा है। और इधर आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा हरा हरा है। और नीचे की तरफ आप लोग को दिख रहा होगा कुछ लोग नहा रहा है। देखिए वहाँ पे कुछ लोग नहा रहा है। चलिए नीचे की तरफ चल के आप लोग दिखाएंगे नीचे की तरफ। और देखिए फिलहाल इधर का दृश्य कितना खूबसूरत है, जो कि भी ज़्यादा धूप नहीं है इसलिए आप लोगों को काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। देखिए वहाँ पे कुछ नहा रहा है लोग, देखिए सामने आप लोग को। चलिए और हम लोग आगे नीचे की तरफ। ये रहा नदी, जो कि काफ़ी ठंडा पानी है इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग नहा भी रहे हैं। देखिए और उधर से भी ये पूरा नदी है, जब पानी आता है तो पूरा पानी भर जाता है। और ऊपर की तरफ रहा हुआ पुल देखिए लोहा का। चलिए चलते हैं फिर आप लोगों को। बाइक उठा के हम चल लेते हैं आगे की तरफ और आप लोग रास्ता देख सकते हैं कितना खतरनाक रास्ता है। और इसी पे हम लोग आगे जाते हुए पहुंच जाते हैं एक स्थाई पे, जहाँ यहाँ पे काफ़ी दुकान खुला हुआ है, जो कि यहाँ पे जरूरत का सामान मिलता है। तो यहाँ से शुरू होता है मेन पहाड़, जो कि आगे तरफ है, देखिए आप लोग सामने दिख रहा होगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और खाते पीते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। हम तो स्प्राइट पी रहे हैं और आप लोग नज़ारा देखिए यहाँ का कितना अच्छा नज़ारा है, जो कि चारों तरफ आप लोगों को हरा भरा दिख रहा होगा यहाँ पे। और सामने का रास्ता से हम लोग आए हुए हैं और ये आप लोग पेड़ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा पेड़ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहा होगा। और यहीं पर एक ढलान सा है नीचे जाने की तरफ, तो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं खूबसूरत सा एक नज़ारा। और वो रहा ये नज़ारा, जो कि आप लोग को दिखाने के लिए लाए हुए हैं, जो कि आप लोग सामने देख सकते हैं यहाँ पे पानी आ रहा है। और यहाँ पे एक मोटर भी सामने लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो पानी है एक वाटरफॉल का मज़ा दे रहा है, जो कि छोटा सा है और वाटरफॉल जैसा दिख रहा है। ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए पता नहीं पानी आता कहाँ से है। और यहाँ सामने आगे तरफ पानी जा रहा है और आप लोगों को सामने एक दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए इधर दिखाते हैं। और यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे फ्रिज पानी के लिए लगा हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पे पानी भी पी सकते हैं और नहा भी सकते हैं। देखिए पानी जा रहा है एक तरफ पूरा,
और इधर से हम लोग आए हुए हैं जो कि जस्ट ऊपर से नीचे है। हम आगे बढ़ते हैं, ये खूबसूरत था, एक व्यू था, सोच के आप लोग दिखा रहे, ये कितना प्यारा सा व्यू है जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा आप लोग को। और देखिए आप लोग बाइक ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लगा रहा है, जो कि इसका पूरा एनर्जी लग जा रहा है इसमें ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पे एक दूसरा लचका है जो कि पहले वाला लचका से थोड़ा सा बड़ा है, हम इधर से आए हुए थे, देखिए सामने। और यहाँ पे देखिए इसका कुछ व्यू इस प्रकार है, जो कि यहाँ पे एक नदी तो नहीं बह रहा है लेकिन सिर्फ ये सब पेड़ पौधा है, और यहाँ पे पहले नदी बहता था, छोटा सा नदी है। और देखिए इधर हम लोग को आगे जाना है, फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा खेती होता है इधर पहाड़ों के ऊपर, ठीक है, चारों तरफ धान का खेती हुआ है अभी, फिलहाल रोपा गया है इसको। कुछ आगे लाल पहाड़ है, चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। अभी बाइक साइड में लगा दिए हैं इसके नीचे, तो अभी हम लोग आधे पहाड़ पे आए हुए हैं लोग, जो कि आप लोग सामने देख सकते हैं पूरा खेती हुआ है सामने और पूरा पहाड़ सामने है। और देखिए इधर जितना भी आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा, पूरा देखिए पूरा जंगल ही जंगल, इधर भी जंगल है। और भी आप लोग ऊपर चढ़ के दिखाते हैं क्योंकि ऊपर जाने का भी रास्ता है, सोचे यहाँ से अच्छा व्यू दिख रहा है तो आप लोग को दिखा दें। तो फाइनली हम लोग लाल पहाड़ के पास आ चुके हैं, सामने लाल पहाड़ है, तो हम लोग करीबन बहुत ऊंचा आ चुके हैं पहाड़ पे। अभी बारिश का मौसम होने वाला है तो काफ़ी गर्मी हो रहा है, और चलिए आप लोग आगे दिखाते हैं। यहाँ तो आप लोग देख सकते हैं इतना पहाड़ पे बकरी भी चढ़ रही है, यहाँ पे पूरा घास खा रहा है ऊपर चढ़ के। इन लोगों को हमेशा इसी पर आना है और खाना है, फिर नीचे जाना है। ये करीबन इतना नीचे हम लोग ऊपर हैं लोग, देखिए आप लोग, और सामने से दिख रहा होगा कि बहुत पास में घर है लेकिन पास में है नहीं, जाने में बहुत टाइम लगता है, काफी नीचे है। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा वहाँ पे सामने लाल पहाड़ है, और यहाँ पे कुछ ही देर के पहले हम लोग सिंपल मिट्टी था और वहाँ पे रेड पहाड़ है। इसका इतिहास तो मुझे भी नहीं मालूम, तो फिर भी आप लोगों को दिखाते हैं, चलिए ऊपर की तरफ, थोड़ा और ऊपर है, बस लास्ट पॉइंट है वहाँ पे। देखिए यहाँ का मिट्टी, देखिए ये सिंपल मिट्टी है जो हम लोग की तरफ का मिट्टी है, और सामने जस्ट आगे वहाँ पे देखिए आप लोगों को रेड रेड दिख रहा होगा मिट्टी, और ऊपर भी रेड है, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रेड पहाड़ पे, जो कि टॉप फ्लोर यहीं है, और आप लोगों को सामने दिख रहा होगा पानी टंकी, हालांकि पानी टंकी नहीं, वहाँ से देखने के लिए व्यू है। देखिए आप लोगों को सामने पूरा दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ पूरा बैठने के लिए बनाया गया है, जिसके आगे कोई भी रास्ता नहीं है, लास्ट यहीं है, ये पूरा व्यवस्था बनाया गया यहाँ पे बैठने के लिए। चलिए आप लोगों को वहाँ पे चल के दिखाते हैं टॉप व्यू। फिलहाल तो देख रहे हैं यहाँ पे ताला बंद है, ऊपर जाना मना है, पता नहीं क्यों ताला बंद कर दिया गया है। तो चलिए आप लोगों को सामने से व्यू दिखाते हैं, हालांकि ऊपर से और भी अच्छा व्यू दिखता लेकिन हम लोग नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो चलिए आगे से आप लोग दिखाते हैं। तो टॉप व्यू से आप लोगों को कुछ इस प्रकार व्यू दिख रहा होगा आगे की तरफ, देखिए जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे एक और रास्ता बना हुआ है, यहाँ पे फोर व्हीलर भी आ जा रहा है ऊपर की तरफ, तो हम लोग को इधर से रास्ता मालूम नहीं है इसलिए हम लोग नहीं आ पाए हैं। हेलो, आइए आप लोग को दिखाते हैं इधर, तो अगली बार कोशिश करेंगे कि इसी पे आने के लिए। देखिए आप लोग कितना मस्त दिख रहा होगा, तो चलिए फिलहाल चलते हैं हम नीचे की तरफ, कुछ फोटो शूट करके और चलते हैं लोग। यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं लोग, देखिए यहाँ से नीचे तरफ जाने का रास्ता है, चलिए चलते हैं नीचे। फाइनली आप लोग को पूरा वीडियो दिखा दिए हैं, रिजॉर्ट जो कि थोड़ी में खुला हुआ है, तो चलिए आप लोगों को अंदर दिखाते हैं कैसा व्यू रहा इसका। और ये रहा रिजॉर्ट के अंदर जाने का रास्ता, जो इस प्रकार का कुछ यहाँ पे व्यू बना हुआ है, और यहाँ पर फोटो शूट करने के लिए बहुत सारे प्लेस बना हुआ है, जाए कि वहाँ पे फोटो आप लोग शूट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को आगे दिखाते हैं कैसा क्या बना हुआ है। देखिए आप वहाँ पे छोटा सा एक झरना भी बना हुआ है, उसको आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। देखिए पूरा यहाँ पे बैठने के लिए भी बना हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं सामने आप लोग को एक दिखाते हैं छोटा सा, देखिए ये माउंटेन ट्रक जो कि आप लोग पहाड़ों पर इसको चला सकते हैं काफ़ी आसानी से। और आगे की तरफ चलते हैं इधर, देखिए यहाँ पर पूरा बना हुआ है खाने पीने के लिए, इसमें आप लोग खा सकते हैं, और यहाँ पे डीजे का भी व्यवस्था किया गया है। देखिए ये रहा रिजॉर्ट जो कि इसमें बहुत सारा सामान मिलता है, यहाँ पे आप लोग रह भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है बैठने के लिए, यहाँ पे टेबल कुर्सी बैठे लगा हुआ है खाने के लिए,
देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग सारे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा व्यवस्था बनाया गया है यहाँ पे। देखिए कितना अच्छा प्रकार से सजाया भी गया है इसको। और लाइटिंग की तो बात करें तो लाइटिंग की पूछना ही नहीं है, क्योंकि लाइटिंग तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ का। और ये रहा इधर बाहर का बैठने का कुछ, और यहाँ पे आप लोग रात भी रह सकते हैं। यहाँ पे कैंप का भी व्यवस्था है और रूम का भी व्यवस्था है, सबका चार्ज अलग अलग है। देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत बनाया गया है, आइए आप लोग को और आगे शेयर कराते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा बैठने के लिए बनाया गया है, ये अंदर तरफ दिखाते हैं आप लोग को, और देखिए बाहर इस तरह का कुछ नज़ारा है। और ये रहा वो छोटा सा नज़ारा जो कि रिजॉर्ट में बनाया गया है, जो कि बाहर तो देखने को नहीं मिला था, इसलिए अंदर ही आप लोग देखिए, ये काफ़ी प्यारा दिख रहा है। तो फाइनली वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि थोड़ी नेपाल का आप लोगों को पूरा व्यू दिखा दिए होंगे, और वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।